नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल, चलो कपिल मैं आपको एक पूछना था बट वीपी इस कॉल में तो वाज ओके ही हैंडल्ड एवरीथिंग राइट बट छाया वाज मोर ऑन टू कि एग्जैक्टली मेरे को तू बता तो देना, मेरे को बता तो देना एग्जैक्टली है क्या। तो कैन वी गिव अ कंफर्ट इट दैट टाइम। देख छाया ये बिजनेस इज अ नॉर्मल बिजनेस, इट्स लाइक बार-बार छुपा नहीं सकते हैं, दो बार ज्यादा सारा डाइवर्ट कर सकते हैं, थर्ड टाइम तो बता देना। बता दो कि नटशेल में कि इट्स अ बिजनेस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हाटएवर इट मे बी फॉर मनी, वो करते कैसे है करना क्या है दिस डिपेंड्स ऑन। मिलके बात करेंगे, वो मिलके बात करेंगे जो डिटेल में। दो तरीके हैं, एक तो ये भी तरीका बताने का, दूसरा Amazon वाला भी तरीका। हां ओके अभी चलो कपिल। ओके सर। हेलो हेलो प्रणव भाई। हां भाई बोलो, क्या हाल है? सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने किसी स्पेसिफिक रीजन से भी कॉल की है, तो अभी आप कहीं बिजी तो नहीं हो ना? मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, इम्पोर्टेंट। हाँ भाई है, 10 मिनट है, बोल। नहीं, मुझे आपका कुछ प्रॉपर अटेंशन चाहिए, तो अगर आप कहीं हो, कभी आसपास भी हो तो साइड में आ जाओ जरा। हाँ है, बोल बोल बोल। लास्ट टाइम याद है हमारी जब बात हो रही थी तो मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया था आपको? हाँ वही कॉमर्स वाला ना। करेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग ही मुझे आपसे बात करनी थी, और मुझे आपसे ये बात करनी थी, जो आप उस दिन बोल रहे थे मुझसे, बार बार पूछ रहे थे कि आप बोल रहे थे कि मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए भी कुछ भी, तो आप सीरियसली ढूंढ रहे हो या फिर आपने वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था? मतलब ढूंढ तो मैं बिजनेस के बारे में भी मैं ढूंढ रहा था और बीवी के लिए प्रोडक्ट भी ढूंढ रहा था, तो तू सीरियसनेस की? नहीं, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ बिजनेस, ओके, या मैं सीरियसली पूछ रहा था, मैं बोलना। सॉरी, ओपन टू एक्सपोर्ट, राइट? सो आपके लिए गुड न्यूज है मेरे पास। मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर के साथ मेरी 2 दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी, एंड वी वर डिस्कसिंग कि कैसे हम अपना 2-3 साल का कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ग्लोबल मैसिव एक्सपेंशन, एंड वी रियलाइज्ड कि हमको बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आने वाले टाइम में काम तो बहुत बढ़ने वाला है, राइट? तो वी आर ओपन टू एड 1 or 2 बिजनेस पार्टनर विद अस ऑन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, तो क्या बोलते हो, बिजनेस मीटिंग फिक्स करा दूं आप, मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर, हम तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं? मतलब यू आर कंसीडरिंग मी एज अ बिजनेस पार्टनर? करेक्ट। ओके ना, मिलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हम एक बार मिलते हैं, मिलके बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम मिल किनसे रहे हैं। तो ये जो मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, ये दुबई में ही हैं पिछले 6-7 साल से, लेकिन आपकी मेरी तरह इन्होंने बिजनेस शुरू किया था आज से 10-11 साल पहले, जॉब के साथ साथ। सो उन्होंने आज के टाइम पे, ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ही इज अ काइंड ऑफ सेमी, हाँ ही इज अ काइंड ऑफ सेमी रिटायर्ड ऑल्सो, जिनका ऑलरेडी मोर देन $1 million नेट प्रॉफिट एनुअली आ रहा है। सो यू नो, सेमी रिटायर्ड के बाद भी काफी लोग काम करते हैं बिकॉज उनका पैशन होता है काम करना, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकते। सो ही इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल जो सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहे हैं, एंड आई एम लकी इनफ कि बिकॉज इनके पैशन की वजह से ही इज होल्डिंग माई हैंड, और जिनकी वजह से जिस वजह से मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ लाइफ में, और आने वाला टाइम मुझे पॉसिबल भी लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज होल्डिंग माई हैंड, एंड ही इज सो ग्राउंडेड एंड रिस्पेक्ट हिम अलॉट। तो हम इनसे मिलने वाले हैं, तो आप ये बताओ कि आपके लिए कौन सा टाइम शूट करता है, ऑफिस के बाद शाम को शूट करता है कि वीकेंड ही फ्री होते हो? ऑफिस के बाद भी कर सकते हैं बट वीकेंड बेटर रहेगा। तो आपका फ्राइडे सैटरडे दोनों ऑफ होता है? हाँ ऑफ होता है बट हाँ वीकेंड बेटर है, टाइम है वीकेंड आने को। ओके, तो मेरे पास ना इतना लेट क्यों करने का, वीकडेज में मिलते हैं। ओके, तो वीकडेज में आपको शाम के टाइम अवेलेबल होते हो आप, मतलब 2-2.5 घंटे का अगर मैं बोलूं कि आपको 2-2.5 घंटे का टाइम निकाल के आना तो? ओके, तो मेरे पास एक परसों का टाइम स्लॉट है उनका, और एक है फ्राइडे का। सो परसों का है शाम को 6 बजे का, और फ्राइडे का है शाम को 4 बजे का। तो आपके लिए फिर हेलो परसों का ही कर लेते हैं फिक्स। ठीक है, तो परसों का शाम को 6 बजे का करंट ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 2-2.5 घंटे हाथ में लेकर चलना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये बिजनेस आपके लिए हैवी कि नहीं है, बिकॉज फर्स्ट जो इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन होगी एक दूसरे को जानने के लिए। पहले वो मिल करेंगे कि आपका जो पाथ है, आप जो ढूंढ रहे हो लाइफ में, आपका जो डेस्टिनेशन है, क्या वो हमारे गोल से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, एंड दैट मेक्स सेंस, राइट? हमारा एक दूसरे को जानना पहले जरूरी है, और वो चीजें अगर मैच करती हैं तो फिर हम आगे बिजनेस डिस्कशन पर जाएंगे, अगर नहीं मैच करती तो नहीं जाएंगे। सो 2-2.5 घंटे अगर सबको सही गया तो लग जाएंगे, नहीं तो 1/2 घंटे में चाय कॉफी पी के निकल जाएंगे। क्या बोलते हो?
तो आप बस एक ये बस काम करना कि आप 6 बजे का टाइम है ना, तो 5:30 बजे का टाइम लेके चलना हाथ में, क्योंकि आप पार्किंग वगैरह भी करोगे शेख जायद रोड के आसपास हम मिलेंगे। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा व्हाट्सएप, एग्जैक्ट लोकेशन बिजनेस बे के आसपास। तो आप पार्किंग वगैरह भी लगाओगे तो 5:45 बजे तक मतलब आप पहुंच जाना किसी भी हाल में, सो दैट हम भी पहले मिलेंगे, सो दैट आप और मैं एक बार मिल लेंगे, मिल के एक बार चीजें डिस्कस कर लेंगे और हम उनके लिए वेट करें चलेगा, लेकिन वो हमारे लिए वेट करें तो ये अच्छा लगता है। एज आई टोल्ड यू ना, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, उनका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट, ठीक है, तो हम एक बार मिलते हैं परसों शाम को 5:30 बजे। बाकी एकदम हार्ट टू हार्ट बात करना, बस मैं ये बोलूंगा, ही इज वेरी ग्राउंडेड एंड ही स्पीक्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। तो लाइफ में अगर कहीं कुछ लगी हुई है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ फटी हुई है, तो आप डायरेक्टली बात करना, बिकॉज सी ये जॉब इंटरव्यू नहीं है ये, जहाँ पे कुछ इमेज बनाने की जरूरत है, राइट, इट्स अ बिजनेस डिस्कशन जहाँ पे दूसरे को जानना पहले जरूरी है। सो जैसे आप हो, जैसे मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बात करना उनसे भी, और आपको I trust me, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। मतलब बिजनेस तो चलो सेकेंडरी पार्ट है, बट आज के टाइम पे कितने लोगों को ऐसे मिलता है कि सक्सेसफुल लोगों से मिलना, राइट, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड आपको मिलके बहुत मजा आएगा। तो हम परसों मिलते हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा परसों सुबह भी, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ और परसों मिलके बात करते हैं। ओके, डन है, डन है, पक्का। ऑल राइट, बाय बाय। चलो बाय। वैशाली को नहीं बुलाया तू? मैं वैशाली को भूल ही गया। किड कपिल कट्टी, सच में भूल गया, दिमाग से उतर गया। मेरी एनिवर्सरी डेट पता है तुझे, बट मैं मुझे बीच में ऐड कर लो, मैं दोबारा से नेप तो कॉल रख दी ना, अभी तो बोल रहा था, नहीं बीच में कहीं से ऐड कर लो, अभी तो बोल रहा था एनिवर्सरी के चक्कर में, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रहा हूं, अभी तो बोल रहा था, मैं तो एनिवर्सरी की डेट पूछ रहा था, बिकॉज मेरे को इनवाइट करना उसी उसके पहले। एनिवर्सरी लेट है ना, 22nd जून, 24th of June, 24th of June। बाकी कॉल वाज, बाकी कॉल वाज ओके। या 24 जून मेरा मॉम एंड डैड्स एनिवर्सरी है आल्सो। क्या बात है। तो सर जैसे अगर अभी मिस हो गया बाय चांस, दिमाग में आया नहीं कि वो मैरिड है, या दिमाग में वैशाली का भी नहीं आया, तो अगर ऐसे टाइम पे बाद में दोबारा फोन करके पूछ लेना। हां करेक्ट। अरे यार तेरे को एक बात बोलना भूल गया, बरातियों का स्वागत पान पराग से जरूर कीजिएगा सर। ठीक है, तो करूं करूं? हां करो, मैं चार्जर लेके आता, तुम लोग करो तब तक चार्जर लेके। हेलो हेलो। अरे प्रणव भाई, एक चीज तो बोलना ही भूल गया था मैं। मैं आपसे ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आप अपना डिसीजंस खुद लेते हो या फिर आप वैशाली से डिस्कस करते हो चीजें, मतलब कहना मतलब के सारे के सारे टेक्निकल डिटेल से डिस्कस करते हो या फिर आप डिसीजन मेकिंग में बस चीजें डिस्कस करते हो उनसे? सी डेफिनेटली वैशाली से तो बात तो करना ही है, मतलब इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, इफ आई लाइक द अपॉर्चुनिटी और मेरे को आगे जाना है, तो डेफिनेटली वैशाली'स ओपिनियन मैटर्स, तो ऐसा तो नहीं मैटर नहीं करता। तो हाँ मतलब टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप डिसीजन जरूर उनसे शेयर करते हो, व्हिच आल्सो मेक सेंस, राइट, बिकॉज़ पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना ही पड़ता है। सो आई वुड सजेस्ट कर रहा हूं वो मैटर नहीं करेगा, बट क्या कर रहा हूं तो बताना और बात करनी। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। सो आई वुड सजेस्ट कि आप वैशाली के साथ ही आना एक बारी, बैठ के हम साथ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेटर रहेगा, राइट, कि हम साथ में एक बारी चीजें देख लेंगे और समझ लेंगे। मैं कोई बांधा नहीं वैशाली के साथ आने में, बट अभी फिलहाल यार कियारा को मैं घर से बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, यू नो ना, एंड ऑल। सी अगर आप खुद के डिसीजन लेने में अगर आपको लगता है कि आप खुद ही ले सकते हो, तो इट्स फाइन, आई वाज जस्ट सेइंग बिकॉज़ इट्स बेटर टू इफ शी इज विद यू। आई अंडरस्टैंड, यू नो, अंडरस्टैंड योर पॉइंट। ओके, चलो लेट मी जस्ट सी जस्ट टॉक टू हर इफ इट इज पॉसिबल कि कियारा को कहीं पे अगर आप छोड़ के आ सको तो। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, थैंक्स। हांसो, कैसा था? ओके, ही डिड नॉट पुश टू ब्रिंग वैशाली, बट ही वाज लाइक देख लो, अगर द डिसीजन इज नॉट इन्वॉल्वड फॉर अ टेक्निकल, लाइक उस दिन बोले थे ना, टेक्निकल, अ टेक्निकल नहीं होगा, बट ट्राई टू कम वैशाली। हां, मैं वो आइडियोलॉजिकल वर्ड भूल गया था, टेक्निकली बोला इसलिए सिर्फ टेक्निकल बोला, और फिर मैंने डिसीजन बोला, कि मैंने बोला टेक्निकल डिस्कशन में आप उनकी उनका डिसीजन मैटर करता है कि आप ओवरऑल डिसीजन में उनसे पूछते हो? कभी कभी प्रोस्पेक्ट को भी नहीं समझ में आता, अभी नहीं, आइडियोलॉजिकल एक्चुअली नहीं सर,
मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन मिल जाएगा आइडियोलॉजिकल के आधार पर भी, लेकिन पता है आधे लोग बोलते भी नहीं है, आधे लोग पूछते भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी अगर पूछूंगा तो. या एक्चुअली ट्रू, इसको पता है मेरे को नहीं पता है, यही हां एक बहुतों के साथ होता है. चलो डन है. वैशाली करो, मेरा इनवाइट बाकी है, करूं? हाँ हाँ हेलो हेलो हाय अर्शल. हाय रुशाली, कैसी हो? बस एकदम एक्साइटेड यार, मतलब अच्छा सुनो ना, मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी, तो मुझे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए था. अभी बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. किस बारे में? हाँ वही, आपको याद है उस दिन मैंने अपने खुद के बिजनेस के बारे में बताया था? हाँ तुम ऑनलाइन का बता रही थी. हाँ हमारी बात हो रही थी तो मैंने बताया था मेरे बिजनेस के बारे में, राइट? राइट. हाँ तो उस दिन आप मुझे पूछ रहे थे कि यू नो आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं और यू नो काफी सारे मतलब जानकारी लेना चाहते थे, तो आप सीरियसली पूछ रहे थे या फिर बस आपको जानना था कि मैं क्या कर रही हूँ? यार सीरियसली पूछ रहा था मैं तुम्हें, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ, बट तुमको बता ही नहीं रही थी. हाँ मतलब बताना कोई इंटेंशन मतलब ये था कि मिलके बात करेंगे फोन पे क्या हो सकता है, राइट? तो इन दैट केस अगर आप सीरियस हो तो एक गुड न्यूज है आपके लिए कि कल मैं और मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर बैठे थे और हम फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान डिस्कस कर रहे थे. ओके सो हमें समझ में आया कि हमें बैंडविड्थ हमारी बढ़ानी पड़ेगी, तो वी आर ओपन टू ऐड वन और टू मोर बिजनेस पार्टनर विथ अ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके तो उस दिन आप पूछ रहे थे, आपको जानना था, तो मैंने सोचा चलो आपको एक बार पूछ लूं कि आप सीरियस हो उस बारे में. हाँ सीरियस ही हूँ, मैंने बोला तो सीरियसली देख रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ. तो हम क्या करेंगे, क्या है बताओगे कुछ कैसा है क्या है? ओके तो कोई भी बिजनेस हर्षल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, राइट? तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है बट मोर इट्स ऑनलाइन है, ई कॉमर्स जैसे मैंने बोला आपको वो तरीके पे है. ओके तो एक बात हम एक काम कर सकते हैं कि आप मैं और मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर मिलते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी और पूरा बिजनेस डिस्कशन करते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ सही रहेगा. सही रहेगा ना? ओके तो देखो हर्षल मैं अभी मतलब पता नहीं आपके लिए ये होगा भी नहीं बिकॉज अभी तो मैं कुछ बात नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज पहली जो हमारी मुलाकात होगी वो मोर हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होगा. हम एक दूसरे को जान लेंगे, मतलब हमारे मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग सूट्स, देन पूरा डिस्कशन बिजनेस डिस्कशन होने में 2 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे. और अगर नहीं हुआ कि शायद हम लाइक माइंडेड नहीं है तो 1-2 घंटे में हम डिस्कशन करके कॉफी पी के निकल लेंगे, क्या लगता है? ठीक है ठीक है. ओके सो मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. सो जो मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर है मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब आज मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से, वो मेरे मेंटर है. ओके और 10 साल पहले वो भी कॉर्पोरेट में ही थे और वहाँ पे भी वो वीपी लेवल तक गए थे और आज 10 साल के बाद उन्होंने काफ़ी कंट्रीज में अभी ये बिजनेस एक्सपांड किया है. ऑलरेडी वो सेमी रिटायर्ड है, $1 million की इनकम है उनकी और आज वो हमारे साथ है. लाइक उनका पैशन है अभी बिजनेस करना. ओके सो एंड द सेम टाइम वो इतना ग्राउंडेड है और मतलब एकदम जॉली गुड पर्सन है, आपको मिलके बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे. ओके ठीक है. हाँ वो मैं बताती हूँ. तुम्हें क्या सूट करता है, वीकडे और वीकेंड्स? वीकडेज भी ठीक है, कोई ये नहीं, वीकडेज ही ठीक है क्योंकि अभी तो दोपहर में ऑफिस कभी कभी फिनिश होता है 2-3 बजे. हाँ 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 उसके बाद. ओके तो मेरे पास उनका टाइम शेड्यूल है इस वीक का तो मैं देखती हूँ.
ओके तो थर्सडे को 4 बजे है और सैटरडे को शाम को 6 बजे का है, कौन सा सूट होगा तुम्हें? थर्सडे ठीक रहेगा, थर्सडे। और हर्षल मैं एक बात बोलना भूल गई, तुम्हें क्या लगता है मतलब छाया को भी तुम ला सकते हो, मतलब तुम लोग अगर कुछ सब कुछ ठीक है तो डिस्कशन बिजनेस का तो डिसीजन मेकिंग में छाया को भी पूछोगे ना तुम, राइट? हाँ पूछूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिसीजन कुछ करना है वैसे शुरू करने का तो ऑब्वियसली डिस्कशन तो होगा ही। हाँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि छाया को भी लेके आना आप, और फिर हम मतलब हम सब मिलके बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। ओके थर्सडे क्या टाइम बोला है एक्चुअली मैं कंफ्यूज, 4 यार फिर ऑफिस इनकेस लेट हुआ तो मुझे फिर से घर जाके लेके आना पड़े क्योंकि उसका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना अभी। अच्छा ओके तो सैटरडे ठीक रहेगा, सैटरडे तो छुट्टी रहेगी राइट? जरूरत है क्या छाया की उस दिन? थर्सडे यदि कर लेते क्योंकि सैटरडे का बोल नहीं सकते ना अभी क्या है क्या नहीं, अभी तो कुछ नहीं फिलहाल। अच्छा तो मतलब अगर डिसीजन में वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है और तुम्हें लगता है कि विदाउट हर तुम डिसीजन ले सकते हो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चल मैं आ जाऊंगा थर्सडे। ओके यू श्योर ना? हाँ ठीक है। ओके ओके और हर्षल और एक बात आपसे बोलनी थी कि ये बिजनेस जॉब इंटरव्यू नहीं है सो कुछ भी परसेप्शन मत क्रिएट करके आना। ओके कि मतलब इंप्रेशन जमाए, जैसे हम इंटरव्यू में जाते तो इंप्रेशन जमाने के लिए जाते, सो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा हार्ट टू हार्ट बात करनी है। सो कोई परसेप्शन बना के मत आना। और दूसरी बात एक आधा घंटा जल्दी आ जाना, 3:30 आ जाना सो दैट हम थोड़ा सा मिलके यू नो मैं आपको हेड्स अप भी दे दूंगी मीटिंग के बारे में और थोड़ा हम वेट कर ले उनके लिए तो चलेगा, मैं उनका टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं उनको वेट नहीं करवाना चाहती, राइट? ठीक है ठीक है। सो ठीक है देन थर्सडे को मिलते हैं। कहाँ पे? बिजनेस बे में है। और हर्षल मैं एक बात बताना भूल गई आपको, देखो मुझे पता है आई डू रिस्पेक्ट कि तुम छाया को मतलब जैसे भी है तुम्हारा डिसीजन होगा लाया नहीं लाना है, बट एक काम जरूर करके आना अपने लाइफ में ना क्या गोल है, मतलब 4-5 साल में आप कहाँ तक देख रहे हो खुद को, वो छाया के साथ बैठ के ना थोड़ा सा शांति से डिस्कस करके आना कि तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या है और यू नो कहाँ तक तुम्हें पहुंचना है, ताकि जो ये पहला बिजनेस का डिस्कशन होगा उसमें यू नो बात आगे बढ़ेगी, यू नो वो कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है तो मैं आपको लोकेशन भी भेज देती हूँ, बिजनेस बे में हम मिलेंगे। बिजनेस बे में? हाँ ठीक है, बर्जुमन से तो पहुंच जाऊंगा मैं आधे घंटे में बिजनेस बे। ओके यार तो ये रुशाल ये पैसा लगेगा कुछ? पैसा लगेगा ऑब्वियसली बिजनेस में, तो कितना है क्या कुछ बता सकते हो? हर्षल देखो ये बात तो बहुत बात की है, आप सेकंड फेज के बारे में बात कर रहे हो, फर्स्ट फेज में क्या होगा ना पहले हम एक दूसरे को जान लेंगे राइट? ओके पहले तो उस पे डिस्कशन होगा कि आप यू नो सेम हम सेम पेज पे है कि नहीं, शायद हम लोग अमेरिका के लिए निकले हैं और आपको जाना है जापान तो वो मैच नहीं करेगा राइट? तो मतलब पहले डिस्कशन तो इसी पे होगा कि आपका गोल क्या है लाइफ में और हमारा क्या है, हम क्या प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो हर्षल डेस्टिनेशन पता है हमें, अगर व्हीकल मिल गया है वहां तक पहुंचने का तो पेट्रोल के लिए तो पैसे डाल ही सकते हैं हम राइट? वो भी सही है। हाँ तो बस वैसी बात है, तो मतलब वो ज्यादा अगर कुछ होगा तो वो वहाँ पे डिस्कशन होगा, अगर पूरा बिजनेस का बात हो रही है तो, अदरवाइज तो पहला मीटिंग हम एक दूसरे को जान ही लेंगे। ठीक है चल मिलते हैं दिन थर्सडे। या ओके वेरी गुड कॉल, मैं वेट कर रहा था कोई तो बोले वो गोल्स का। मेरा भी एक्चुअली फीडबैक वही आने वाला था बट लास्ट में बोल दिया गोल, मैं भी वो सोच रहा गोल बिकॉज वो आजकल जनरली क्या होता है लोग सोच के ही नहीं आते हैं, फिर आगे कुछ नहीं होता, फिर वापस ही भेजना पड़ता है उसको, लिख के लाओ ये करो, पहले से सोच के आया ना। और ये नहीं बोला टेंजिबल गोल्स। हाँ टेंजिबल गोल्स तुमने बोला कहाँ पहुंचना, फिर वो आता आदमी मेरे को ना हैप्पी रहना 5 साल बाद हैप्पी, तो फिर तेरा नाम हैप्पी सिंह रख लेते हैं अभी, अरे लोग फिर सब्जेक्टिव बोलते हैं ना, सो टेंजिबल गोल
मेजरेबल एंड टैंजिबल गोल विद डेडलाइंस. या और ये भी बता सकते हो मैं क्यों पूछ रही हूँ, मतलब वो गोल्स हमारे व्हीकल के साथ मैच नहीं होते हैं तो हम समझ जाएंगे भाई तुम्हारा ये गोल है तो ये व्हीकल मैच नहीं होता, राइट? ओके, दैट्स व्हाट है ना. टैंजिबल गोल वो भी टाइम बाउंडेड, राइट? हाँ करेक्ट. चार पांच छह साल वाले, अगले पांच छह साल में कहाँ पहुंच रहे हैं. ज्यादा करके पास लोगों के पास वही तो नहीं रहता ना, बाकी ज्ञान तो बहुत होता है. हाँ हाँ मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना, मेरे को सेटिस्फाई होना लाइफ में, ये तो बहुत ज्ञान देने वाले रहते हैं. ठीक है चलो आज की सभा समाप्त करते हैं, कल खत्म करके आओ सब लोग बुक. डिसिप्लिन आ गया ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसिप्लिन आर बैड अदरवाइज, राइट? ठीक है तो कल किताब खत्म करें और कल करते हैं फिर. ठीक है ओके ठीक है थैंक यू ओके ओके बाय 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 बाय.